फ्रांस ने शुरू किया इंडिया में वीएफएस सेंटर। क्या है न्यू वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस? फ्रांस ने खोले शॉर्ट स्टे एंड लॉन्ग स्टे वीजा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम गरेवाल। अगर आपने मेरा पेज GKTH यानी कि गरेवाल नॉलेज एंड ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, खासकर वो जो बाहर जाना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है फ्रांस की तरफ से, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। फ्रांस ने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो स्टे वीज़ा है स्टूडेंट्स के लिए वो ओपन अप कर दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां कहां पर जो है वीएफएस सेंटर फ्रांस के जो हैं वो ओपन अप हुए हैं, कैसे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कैसे होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस लाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक उन्होंने जो शेड्यूल 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक तैयार किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है बेन वेन्यू इन फ्रांस के नाम से, उस शेड्यूल में क्या होगा और कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिली है हमें आज, ये जो न्यूज़ है वो अपडेट हुई है, ये अपडेट हुई है जो वहाँ के जो है एम्बेसडर हैं फ्रांस के, उन्होंने अपने ट्वीट पर क्या लिखा है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। सो गाइस, फ्रांस की तरफ से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई है। उन्होंने जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है वो ओपन अप कर दिया है। ये न्यूज़ जो है फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया है इमानुएल लेनिन, उन्होंने ट्वीट करके जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पर बोला है कि मुझे बहुत ही खुशखबरी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि जो वीज़ा सर्विसेज हैं इंडिया में शॉर्ट स्टे एंड लॉन्ग स्टे स्टूडेंट्स की वो ओपन अप हो गई हैं और जो भी पढ़ना चाहता है यहाँ पर आकर वो पढ़ सकता है और उनके लिए वो वेलकम कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। गाइस, एक बात बता दूँ आपको, जो फ्रेंच एम्बेसी है न्यू दिल्ली में वो ऑलरेडी जो है स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसके लिए वो रेडी हो चुकी हैं। अब वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। जो वीएफएस सेंटर्स हैं लाइक इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड कोची में, उन्होंने जो अपना काम था वो स्टूडेंट वीज़े के लिए 17 अगस्त को ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं बैसेज, बिल्कुल उन्होंने अपना वो रेडी हो चुके हैं। जो भी फ्रांस में पढ़ना जाना चाहता है उनके लिए ये काफ़ी खुशखबरी है और बैसेज खुल गई हैं और जो वीज़ा है वो अपना वो प्रोसेस कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही उन्होंने सिक्योर वे से उन्होंने जो तैयार किया है, जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की तो वो स्मॉल बैचेस में हर हफ्ते जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। ये जो है स्मॉल बैचेस जो है, ये आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो काफ़ी प्रिकॉशन ली जा रही हैं वहाँ पर ज़्यादा रश ना पड़े और जो ये डिज़ीज़ है ज़्यादा ना फैल सके, इसलिए उन्होंने जो स्मॉल बैचेस का है जो ये सिस्टम जो है वो तैयार किया है। गाइस, एक बात बता दूँ आपको कि फ्रांस ने जो था वो थर्ड कंट्री जो किसी भी सिटीज़न है एंटर करने के लिए उन्होंने बैन किया हुआ था, मगर सबसे पहले जो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन खोली हैं वो गाइस इंडियन स्टूडेंट के लिए खोली हैं। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है गाइस। आपको बता दूं कि उन्होंने 1 अगस्त को जो था उन्होंने कंपलसरी पैसेंजर के लिए, एक इंडियन के लिए, इंडियन जो पैसेंजर हैं उनके लिए COVID-19 PCR जो टेस्ट था वो कंपल्सरी कर दिया था। ये क्या है टेस्ट का है? जो ये टेस्ट है, जैसे कि आपकी फ़्लाइट है फ्रांस के लिए, वीज़ा सारा कुछ अप्रूव हो चुका है, सो आपकी फ़्लाइट है फ्रांस के लिए, फ्रांस से पहले आपको 72 घंटे पहले आपको जो था वो अपना जो COVID-19 टेस्ट है वो आपको कराना पड़ेगा और जो टेस्ट का रिजल्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो आप वहाँ पर जो हैं वो एंटर कर सकते हैं फ्रांस में। और ये वाली जो जो चिल्ड्रन थे जो 11 साल से कम थे उनके लिए जो ये वाली स्कीम थी वो नहीं थी, इट मीन्स कि 11 साल से कम बच्चों के लिए वो एग्जम्प्ट थे इस स्कीम से, उनके लिए कंपल्सरी जो था मेजरमेंट नहीं था।
सो गाइस इसके साथ ही उन्होंने एक नया शेड्यूल जो है प्री डिपार्चर से पहले एक सेशन स्टार्ट किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है बी वेन्यू इन फ्रांस। ये जो सेशन है, ये शेड्यूल है, ये अगस्त 22 से लेकर 31 अगस्त तक जो है ये शेड्यूल चलेगा। जिनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है या वो बाहर जाना चाहते थे या जिनकी ऑफ़र लेटर आ गई थी या जिनके वीज़े अप्रूव हो चुके हैं, सो इनके लिए सेशन ये तैयार किया गया है। इसमें वो स्पेशली जो है वो मेंशन करेंगे जो भी शेड्यूल में वो क्लासेस लेंगे, उनको ये बताएंगे कि वहाँ पर आपने प्रोसीजर क्या क्या है, नए प्रोसीजर क्या है आफ्टर कोरोना वायरस, ठीक है, और कौन कौन से टिप्स हैं, आप वहाँ पर जाके कैसे अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी डेस्टिनेशन पर आप रीच कर सकते हैं, कैसे आप सिक्योरली वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइस ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है फ्रांस की तरफ से। एंड जैसे आपको पता है कि अगस्त का मंथ है और काफ़ी सारे जो शेंगेन कंट्रीज़ हैं वो वीज़े अपने ओपन अप कर रही हैं, इसमें अभी फ्रांस भी इंक्लूड हो चुका है, शामिल हो चुका है। सो उम्मीद करते हैं कि और भी जो देश हैं वो सारे जो हैं अपने जो वीज़ा प्रोसेस है वो नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।